हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसा नुस्खा शेयर करने वाली हूं जो बहुत ही कारगर है और घरेलू नुस्खा है। दोस्तों, चारों तरफ कोरोना का कहर है और जो लोग सुरक्षित हैं, जिन्हें कोरोना नहीं हुआ, वो भी बहुत डर रहे हैं, और जो लोग बीमार हो चुके हैं उनको तो मुसीबतों का सामना करना ही पड़ रहा है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा, जिसका असर आपको पहले ही दिन में मिलने लगेगा। पहला नुस्खा उस चीज के लिए है कि अगर आपको सूखी खांसी है या बलगम वाली खांसी है या फिर आपको कोरोना वायरस हो चुका है, आप संक्रमित हो चुके हैं, तो भी आप इस नुस्खे का इस्तेमाल जरूर करें। इसके अलावा खांसी के दौरान जब गले में खराश बढ़ जाती है और गला दर्द करने लगता है, कुछ भी निगलते टाइम गले में दर्द होता है, तो आपने दूसरे नुस्खे का इस्तेमाल भी करना है। ये उन सभी तकलीफों को दूर कर देगा। तो आप इन दोनों नुस्खों का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि यह बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही असरदार है और बहुत लोग इस नुस्खे का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे फायदा ले रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो सके। हमने यहाँ एक सबसे साधारण सी चीज लेनी है, वो लेनी है फिटकरी। दोस्तों, फिटकरी दो तरह की आती है। एक तो ये चौरस फिटकरी होती है, हमने इसका इस्तेमाल नहीं करना। ये फिटकरी का इस्तेमाल तो सिर्फ शेव के दौरान किया जाता है। हमने यहाँ क्रिस्टल वाली ऐसी फिटकरी लेनी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका इस्तेमाल करना है। और हमने लेना है लोहे का तवा। दोस्तों, लोहे के तवे को आपने गैस के ऊपर रख देना है और थोड़ी सी फिटकरी को इस तवे के ऊपर गर्म होने के लिए रख देना है, तो थोड़ी ही देर में इसके अंदर बबल्स बनने लगेंगे। मैं ये आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आप बहुत आसानी से घर पर कर सकें। दोस्तों, जब ये नुस्खा बन रहा होगा, हमने सिर्फ इतना ही लेना है फिटकरी, क्योंकि ये काफी बार इस्तेमाल हो जाएगी, इसकी मात्रा बहुत कम इस्तेमाल की जाती है। जब ये फिटकरी अच्छे से पिघल कर व्हाइट रंग में यानी सफेद रंग में बदल जाए, तो आपने गैस को बंद कर देना है और करीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसे ठंडे होने देना है। ये बहुत आराम से ठंडी हो जाएगी और हाथ से या किसी भी चीज से तोड़ने पर आसानी से पाउडर बन जाएगा। दोस्तों, ये तवे से उतार लेनी है और इसका हमने पाउडर बनाना है। बस इतनी सी फिटकड़ी काफी बार इस्तेमाल की जा सकती है। दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं खांसी को दूर करने के लिए हमने इस फिटकड़ी वाले पाउडर का इस्तेमाल कैसे करना है। आपने एक चम्मच शहद लेना है, इसके अंदर सिर्फ एक चुटकी, ध्यान रखिएगा मात्रा का, सिर्फ एक चुटकी ही फिटकड़ी इसके अंदर डालनी है। इससे ज्यादा फिटकड़ी हमने नहीं डालनी, क्योंकि किसी भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो उसका नुकसान हो जाता है। जैसे अभी मैंने काफी बार सुना है कि हमें फिटकड़ी वाला पानी पीना चाहिए, कोरोना वायरस दूर हो जाता है, लेकिन इसके बारे में मेरे को बिल्कुल नहीं पता, तो मैं इसके बारे में आपको नहीं कह रही। लेकिन ये नुस्खा बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही असरदार है। इतना ध्यान रखिए, 10 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनको इसका सेवन नहीं करना। जो इसके अलावा बड़े हैं उन लोगों ने इसका इस्तेमाल दिन में 2 बार करना है, और जो फिटकड़ी है सिर्फ आपने एक चुटकी ही लेनी है। ऐसा करने से खांसी दूर हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नुस्खे की। अगर आपको गले में खराश होती है, गले में दर्द होता है, कुछ भी निगलते टाइम गले में अटका सा, कुछ दर्द सा फील होता है, तो आपने क्या करना है, वो फिटकड़ी जो हमने तवे पे गर्म नहीं की थी, क्रिस्टल रूप में ही थी, आपने एक गिलास गुनगुना पानी लेना है। इस फिटकड़ी को आपने इस पानी के अंदर घोलना है। 1, 2, 3 ऐसे 10 तक काउंट करिए और घोलिए, फिटकड़ी को बाहर निकाल लीजिए। फिटकड़ी का इस्तेमाल आप बार बार कर सकते हैं, ये पानी से बाहर निकालने पर पिघलती नहीं है, खत्म नहीं होती। दोस्तों, इससे आपने गरारे करने हैं दिन में 3 बार 4 बार। ऐसा करने से गले की खराश दूर हो जाती है। दोस्तों, ये बहुत ही असरदार नुस्खा है, इसके 100% रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपको भी खांसी रहती है, गले में खराश होती है, तो आप दिन में 2 बार इस नुस्खे का इस्तेमाल जरूर करें और कम से कम 3 से 4 बार गरारे जरूर करें, आपकी खांसी तो बिल्कुल दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।